Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चीन ने एक नकली सूरज बनाया है, ये बात आपको पता ही होगा। यह सूरज लगातार अपने अधिक तापमान का प्रदर्शन कर रहा है। इसे बनाने के मकसद है चीन की ऊर्जा की जरूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करना। हाल ही में इस नकली सूरज ने असली सूरज की तुलना में 5 गुना ज़्यादा तापमान हासिल किया, वह भी 17 मिनट तक। यह अब तक सबसे ज़्यादा समय तक गर्मी पैदा करने का पहला प्रदर्शन है। इस नकली सूरज का नाम है इष्ट। चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इसने हाल ही में 1056 सेकंड तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो कि सूरज के तापमान से 5 गुना ज़्यादा है। अगर यह ज़्यादा समय तक इसी तरह तापमान बनाए रखेगा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्से में रोशनी हो सकती है। इससे पहले मई 2021 में इस नकली सूरज ने 101 सेकंड के लिए 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया था, लेकिन इसका समय बहुत कम था। असली सूरज के केंद्र में जो तापमान होता है वह करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन चीन के नकली सूरज ने दोनों बार असली सूर्य के तापमान को पिछाड़ा है। बस अब इससे ऊर्जा को लेकर पूरे चीन में सप्लाई करने का काम चल रहा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स की शोधकर्ता और इस प्रयोग के नेतृत्व साइंटिस्ट गोंग जियांजू ने कहा कि हाल ही में हुए परीक्षण ने मजबूत वैज्ञानिक डेटा दिए हैं। इसके आधार पर हम इसे लंबे समय तक चलाकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा निकालने का प्रयास कई वर्षों से कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक कणों को फ्यूज करके अत्यधिक दबाव और तापमान में हीलियम बनाने की प्रक्रिया ही इस नकली सूरज में की जा रही है। यही प्रक्रिया हमारे सूरज में भी होती है। यहीं से निकलने वाली ऊर्जा रोशनी और गर्मी में तब्दील होती है। इस प्रक्रिया के जरिए हम लंबे समय तक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, वह भी बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के। ईस्ट सुपर हीटिंग प्लाज्मा पर काम करता है, यानी पदार्थों के चारों रूप में से एक रूप के पॉजिटिव आयन और अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को डोनट आकार के रिएक्टर चैम्बर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे अद्भुत स्तर की चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। यह एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। सोवियत वैज्ञानिक नैटन यावलिंस्की ने पहला टोका मार्क साल 1958 में बनाया था, लेकिन किसी ने उस समय के बाद कई वर्षों तक टोका मार्क का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई। पिछली बार जब चीन ने परीक्षण किया था तब सीन जिन ने दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के निदेशक ली मी आओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए एक सप्ताह के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। चीन वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहा है। फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसकी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान रखने में सफल हुआ है। रिएक्टर के इतने गर्म होने का कारण परमाणु संलयन है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। बता दें कि परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।